भारत में लगभग हर धर्म के लोग हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत को अनेकता में एकता का देश माना गया है और इसके बारे में कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। भारत में मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग रहते हैं। छपरा टेम्परेचर सभी धर्मों के लोग भारत के तरक्की में सहयोग देते हैं और अगर इनमें से किसी भी धर्म के लोग भारत देश को छोड़ देते हैं तो भारत देश की तरक्की का नुकसान होगा। आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर मुस्लिम लोग भारत देश को छोड़कर चले जाएं तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। आज जो सलमान, शाहरुख और आमिर खान मिलकर भारत को बेहतरीन फिल्में दे रहे हैं, अगर मुस्लिम यह देश छोड़कर चले जाएं तो ऐसी फिल्में हमें देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा कैटरीना कैफ, जरीन खान और हुमा कुरैशी जैसी और खूबसूरत एक्ट्रेस भी हमें देखने को नहीं मिलती। अगर आज़ादी के वक्त ही सारे मुस्लिम लोग पाकिस्तान में चले जाते तो हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक और राष्ट्रपति हमें कभी नहीं मिलते। इसके अलावा अजीम प्रेमी जी जैसे बिजनेसमैन भी हमें नहीं मिलते जिन्होंने भारत में 2 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है। भारतीय सेना में 45,000 से भी ज्यादा मुस्लिम सिपाही हैं। अगर मुस्लिम आज़ादी के वक्त ही भारत छोड़कर चले जाते तो हमें इतने अच्छे सैनिक नहीं मिलते। अगर मुस्लिम यहाँ नहीं होते तो हमें मोहम्मद रफ़ी, जाकिर हुसैन, AR रहमान और जावेद अख्तर जैसे कलाकार हमें कभी नहीं मिलते। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।